फिल्म प्रेमियों आपका स्वागत है। हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध और मनमोहक अभिनेत्री माला सिन्हा कालातीत अनुग्रह और प्रतिभा का प्रतीक है। जैसा कि हम 11 नवंबर को उनका जन्मदिन मनाते हैं, आइए इस सिनेमाई आइकन की उल्लेखनीय यात्रा के बारे में जानें, जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर अमिट छाप छोड़ी है। 11 नवंबर 1936 को कोलकाता में एक बंगाली पिता और नेपाली माँ के घर जन्मी माला सिन्हा का प्रारंभिक जीवन संस्कृतियों और प्रभावों के मिश्रण से चिह्नित था। स्कूल के दिनों में दोस्तों द्वारा उन्हें डालडा उपनाम दिया गया था। उनकी सहज सुंदरता और प्रतिभा तब भी स्पष्ट थी। फिल्मों में आने से पहले माला सिन्हा ने रेडियो पर एक गायिका के रूप में अपनी गायन क्षमता का प्रदर्शन किया और सुर्खियों में अपने भविष्य की नींव रखी। मुंबई आगमन पर प्रारंभिक बाधाओं और निराशा का सामना करने के बावजूद माला सिन्हा का दृढ़ संकल्प अटल रहा। अपनी उपस्थिति के कारण कुछ लोगों द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद भी वह डटी रही और बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने से पहले बंगाली सिनेमा में सफलता पाई। मशहूर अभिनेत्री गीता बाली और निर्देशक केदार शर्मा के मार्गदर्शन से ही माला के करियर को गति मिली। उनकी सफल भूमिका 1957 की फिल्म प्यासा में आई, एक महत्वपूर्ण क्षण जिसने उन्हें स्टारडम तक पहुंचा दिया। दशकों से माला सिन्हा ने धूल का फूल, फिर सुबह होगी, हरियाली और रास्ता और अनपढ़ जैसी फिल्मों में अपने यादगार अभिनय से स्क्रीन पर धूम मचाई। उनकी बहुमुखी प्रतिभा और आकर्षण ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया और उन्हें 50, 60 और 70 के दशक की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। हिंदी सिनेमा तक ही सीमित नहीं, माला सिन्हा ने विभिन्न भाषाओं और शैलियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए बंगाली और नेपाली फिल्मों में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। 1994 में अपनी आखिरी फिल्म जित के बाद सिल्वर स्क्रीन से संन्यास लेने के बावजूद माला सिन्हा की विरासत अभिनेताओं और सिने प्रेमियों की पीढ़ियों को समान रूप से प्रेरित करती है। उनकी बेटी प्रतिभा सिन्हा उनके नक्शेकदम पर चली, हालांकि सफलता के एक अलग स्तर के साथ। माला सिन्हा की यात्रा लचीलेपन, दृढ़ता और प्रतिभा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। आइए इस सिनेमाई किंवदंती की अदम्य भावना का सम्मान करें, जिनका नाम हमेशा सुंदरता और उत्कृष्टता का पर्याय रहेगा। बॉलीवुड के ऐसे मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।